अब हम लर्न करेंगे कि टेक्स्ट इंक्लोज इन ऑब्जेक्ट और ऑटो नंबर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस टूल में जाके हम टेक्स्ट पैनल से इंक्लोज इन ऑब्जेक्ट्स कमांड लेंगे, सिलेक्ट दिस कमांड एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने इंक्लोज करना है, लाइक दिस वन, एंटर। एंड नाउ ही आस्किंग स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, कि टेक्स्ट से हम लोगों ने कितना ऑफसेट उसको रखना है। बाय डिफॉल्ट 0.35 है, मैं यही वैल्यू ले रहा हूँ। प्रेस एंटर एंड देन टेक्स्ट इंक्लोज्ड विद, किसके साथ हम लोगों ने इंक्लोज करना है, सर्कल हम लोगों ने बनाना है, स्लॉट्स हम लोगों ने बनाना है या फिर रेक्टेंगल बनाना है। पहले मैं पे सर्कल लेता हूँ एंड सेलेक्ट द वेरिएबल लाइक दिस वन। नेक्स्ट इंक्लोज इन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट, एंटर, ऑफसेट वैल्यू मैं वही लेता हूँ। देन स्लॉट, दिस इज ऑल्सो द वेरिएबल, स्लॉट इज लाइक दिस वन। और अगर मैं अपने टेक्स्ट को इनक्लोज करना चाहता हूँ इन अ रेक्टेंगल, तो फिर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा एंड देन प्रेस एंटर, तो रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑटो नंबर, कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे सिंगल लाइन टेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन है और उन सभी का हम लोगों ने नंबर्स हम लोगों ने लगाने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं राइट डाउन कर लेता हूँ सिंगल लाइन। सिस्फायदा पॉइंट, हाइट मैंने देनी है 12, रोटेशन एंगल मैंने 0 दिया। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक एंटर एंटर। ऐसे ही हम मल्टी लाइंस यहाँ पे टाइप कर लेंगे एंड देन क्लिक आउटसाइड। अभी हम लोगों ने ली तो सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड थी और काफ़ी हम लोगों ने मल्टी लाइंस यहाँ पे बना दी है। ये मल्टी लाइंस नहीं है, ये सभी की सिंगल लाइन ही है हमारे पास, बिकॉज इनका एक लाइन से दूसरे लाइन के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं ये क्विक प्रॉपर्टीज ऑफ कर देता हूँ लाइक दिस वन। ये आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं इनको, कंट्रोल जेड। अगर मैं एक लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लाइन को डिलीट भी कर सकता हूँ। अब है हमारे पास ऑटो नंबर, कि इनके अगर हम लोगों ने ऑटो नंबर्स लगाने हो, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम एक्सप्रेस टूल में जाएंगे एंड सेलेक्ट योर ऑटो नंबर एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। में सारे के सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ देन प्रेस एंटर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं एक्स और वाई। एक्स में हमारे पास डिग्रीज करेगा कंटेंट्स को, यानी कि सबसे पहले हमारे पास हायर नंबर आएगा, उसके बाद उससे स्मॉल लाइक 10, 9, 8, 7। और अगर हम लोग वाई लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5। मैं इसलिए मैं यहाँ पे वाई ले रहा हूँ। नाउ आस्किंग स्टार्ट एंड इंक्रीमेंट, कि मुझे स्टार्ट कितने से करना है और उसके अंदर इंक्रीमेंट कैसे देना है। सपोज यहाँ पे 1,1 है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 1 का ही इंक्रीमेंट लगेगा। मिंटू से यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि स्टार्टिंग 2 से करनी है कोमा इंक्रीमेंट 1 का, तो हमारे पास स्टार्ट होगा 2 से, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3, 4, 5, 6। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2,2, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कितने से करना है और उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना देना है, वो हम लोग अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइप करेंगे। लाइक अभी मैं 2,2 ही दे रहा हूँ, देन प्रेस एंटर। नाउ आप लोगों ने प्रीफिक्स लगाना है या सफिक्स लगाना है, फिर किसी डिजिट को आप लोगों ने, किसी वर्ड को आप लोगों ने फाइंड आउट करके रिप्लेस करना है या फिर आप लोगों ने ओवरराइट करना है। मैं यहाँ पे देता हूँ कि प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स आगे की तरफ लगेगा, सफिक्स आपका बैक साइड में लगाएगा। मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लगा रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरह से हम ऑटो नंबर कमांड को यूज कर सकते हैं।